ओके गुड मॉर्निंग, दिस इज मी कैप्टन संतोष कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, एमएलएम की सीरीज में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एमएलएम किन लोगों के लिए है, एमएलएम में काम करने के लिए, मल्टीलेवल मार्केटिंग में रहने के लिए, सफल होने के लिए क्या मायने रखता है, क्या आपकी एज मायने रखती है, आप कितने पढ़े लिखे हैं वो मायने रखती है, आप सैलरी जॉब में हैं, किसी सैलरी बेस्ड जॉब में हैं, सर्विस में हैं, रिटायर्ड हैं, क्या ये मायने रखती है या नहीं रखती है, क्या होती है मल्टीलेवल मार्केटिंग, कैसे काम करती है, ये सारी कुछ मैंने बता दिया पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है किसी प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि क्या मायने रखता है इस एमएलएम में, इसमें इस मार्केट में अगर आपको रहना है, आपको एक सफल बनना है, सफल व्यक्ति बनना है, सक्सेसफुल बनना है, कुछ पैसे अर्न करने हैं, तो क्या मायने रखता है, क्या आपकी एज मायने रखती है, नहीं, आपकी एज क्या है, मतलब आप यंग हो, ओल्ड हो, कोई मायने नहीं रखता, 18 है, 20 है, 25 है, 50 के हो, कोई मायने नहीं रखता, आप जब चाहो तब इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कोई मायने नहीं रखता एज। अब दूसरी बात आती है, क्या हमारा एजुकेशन लेवल मायने रखता है, अब अपन ने क्या पढ़ाई की है, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, 12th की है, कुछ नहीं की, अपन कभी स्कूल गए ही नहीं है, तो क्या अपन कर सकते हैं इस बिजनेस को, ये भी दूसरा बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो मैं बता दूं कि इसमें ये भी मायने रखता है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, बस इसमें करना क्या होता है, वहाँ पे सारे ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दूसरी बिजनेस अगर आप करेंगे एमएलएम को छोड़ के, जो भी हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है, सही डायरेक्शन चाहिए होता है, आपको खुद को वो ट्रेन करना पड़ता है, बट यहाँ पे ट्रेनिंग भी आपको मिल जाती है, सारे उधर पे शेड्यूल्ड होता है कि कौन सी ट्रेनिंग आपको कब दी जाएगी, कौन सी नॉलेज आपको कब दी जाएगी, बस एक चीज आपको करना होता है उधर, कि आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप हाउसवाइफ हैं, जॉब में हैं, रिटायर्ड हैं, टीचर है, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है और सफल बन सकता है। मायने सिर्फ एक चीज रखता है, कुछ भी मायने रखता है, एज नहीं मायने रखता, आपकी एजुकेशन क्या है वो भी मायने रखता है, अभी आप क्या कर रहे हो, इससे पहले आप क्या कर चुके हो, कुछ किए हो या नहीं किए हो, कुछ नहीं मायने रखता, सिर्फ एक चीज मायने रखता है, अगर आप में सीखने की हुनर आप में है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो, सक्सेसफुली कर सकते हो। अगर आप में सीखने की हुनर नहीं, आप टाइम नहीं दे सकते हो, आप झुक के रह नहीं सकते हो, तो सॉरी, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। वेदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं है मल्टीलेवल मार्केटिंग को करने के लिए। एंड दिस वाज द ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही कि कुछ मायने नहीं रखता, आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो। कोई कहे कि तू तो बुढ़ा हो गया है, तू तो ही बच्चा है, तुमसे नहीं होगा, तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तू तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तू इस बिजनेस को कर ही नहीं सकता, तो बिल्कुल नहीं, वैसे सारे को नो बोलो। अगर आपको करना है तो आप करो। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए मल्टीलेवल मार्केटिंग से, तो इस प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोज है मेरी, वो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर और वीडियोस चाहिए तो, नहीं चाहिए तो गुड बाय।